हेलो गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित है। पिछली वीडियो में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स अर्थात एक्सरसाइज को देखें। यहां पर आप अगले टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे जिस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शुरू करते हैं। टेंस नंबर 6, ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, यानी ऐसा काल, ऐसा टेंस जिसमें बीते हुए समय में काम जारी रहा हो और जब तक यह बोला जाता है तब तक अधूरा रहता है। ध्यान दीजिएगा, पूरा बाद में हो गया होगा, कुछ समय बाद पूरा इसमें जरूर होता है, लेकिन बोलते समय तक यह काम बीते हुए समय में जारी तो रहता है लेकिन अधूरा रहता है। ध्यान दीजिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिनोट्स एक्शंस इनकम्प्लीट इन पास्ट टेंस, इन पास्ट बट कंटिन्यू टू बी कंप्लीटेड। लेकिन आप कोई एग्जाम्पल इनका देखेंगे, राम बाजार जा रहा था। ध्यान दीजिएगा, ये बात परसों की है, राम बाजार जा रहा था। कब की बात है? परसों की बात है, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ राम परसों बाजार जा रहा था। तो भाई परसों जब जा रहा था तो क्या अभी तक पहुँचा नहीं होगा? 10 दिन पहले की है राम, ठीक है। सपोज दैट 1 तारीख को बाजार जा रहा था, ठीक है, 1 अगस्त को बाजार जा रहा था, तो भाई अभी तक पहुंचा नहीं है क्या? पहुंच तो गया होगा। लेकिन जब हम इस वाक्य को, इस टेंस के जब वाक्य को हम बोलते हैं तो बोलते समय हमें यह पता चलता है, बोलते तो अभी है वर्तमान में, लेकिन जो काम पास्ट में हुआ है उस समय वह अधूरा ही था, कुछ समय बाद वह पूरा हो गया होगा। तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइडेंटिफिकेशन अगर हम इसका लें, भाई पहचान जिसको आप कहते हो, तो हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में आपको मिल जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। मुख्य रूप से यही आते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। कभी कभी ऐसे भी आता है लेटा था, बैठा था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, ठीक है, खड़ा था, ऐसे भी आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक, इत्यादि शब्द आते हैं। ये तो हो गया हिंदी का आइडेंटिफिकेशन। लेकिन अगर इंग्लिश का आइडेंटिफिकेशन हम करें तो ध्यान देना, आपको कहीं पर भी सब्जेक्ट के साथ चाहे वाज मिल जाए चाहे वर्ब मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, और इसके साथ मेन वर्ब में इंग फॉर्म मिल जाए, यानी आईएनजी मिल जाए, तो आप हमेशा समझिएगा कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। बात मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ। सेंटेंस में कहीं पर भी किसी भी फॉर्मेशन में, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव हो, अगर आपको कहीं सब्जेक्ट तो मिलेगा ही, सेंटेंस है। इसको अगर नहीं भी जानोगे तो इनको जानो, वाज और वर के साथ आईएनजी मिल जाए तो वह समझिएगा कि इंग्लिश का यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, हिंदी में कहीं आपको ऐसा मिल जाए किसी हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आ जाए, आपको हिंदी में कहीं मिल जाए, तो आप समझना कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, बात क्लियर हो गई। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आती है, हेल्पिंग वर्ब, इनके साथ ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में वाज और वर, इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज और वर। वाज का प्रयोग आई के साथ और प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, ठीक है, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ किया जाता है, और वर का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर में आपका ही, सी, इट,
कॉमन नाउन सिंगुलर, प्रॉपर नाउन सिंगुलर, जितने भी नाउन्स हैं सिंगुलर, और ही सीट दिस दैट और आई के साथ भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज का ही प्रयोग किया जाता है, और वर इसको वेयर नहीं पढ़ा जाता, वर वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट यानी दे यू वी के साथ साथ दीज दोज जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं कॉमन नाउन्स हों, ठीक है, दो प्रॉपर दो से अधिक प्रॉपर नाउन्स हों उनके साथ भी वर का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब के रूप में चूंकि इसमें काम बीते हुए समय में जारी रहा है, तो बीते हुए समय में जारी रहा है तो जारी कार्य को दिखाने के लिए आप भी जानते हैं किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो यह हो गया, इतना ध्यान दीजिएगा, यह इसके मुख्य यंत्र हैं। इतना चीज अगर आप जान जाते हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आप अच्छे से अध्ययन कर पाओगे। ओके, तो देख लीजिए हिंदी पहचान, इंग्लिश की पहचान, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, देर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स, यहाँ पर वाज और वर हो गया प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आई के साथ, और मेन वर्ड में आईएनजी लगेगा क्योंकि ये बीते समय के कंटिन्यू एक्शन को दिखाता है। क्लियर। आगे अगर आप देखोगे तो अगर एडवर्ब्स की बात करोगे, एडवर्ब चलो सेंटेंस में ले लेंगे यूज पर, आप आते हैं पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आप जानते ही हैं, जिसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो, जिसको आप सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हो। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें किसी कार्य के बात को स्वीकारा जाए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आ जाएगा मेन वर्ब प्लस इंग प्लस डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा अदर्स। ध्यान दीजिएगा ये है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, राम कमरे में अपनी पुस्तक, राम कमरे में अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। ध्यान दीजिए ऐसे सेंटेंसेस पे जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। अब पहचान देख लेते हैं, रहा था, ध्यान दीजिए क्रिया के पीछे देखो पढ़ रहा था, मिल गया, रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आपको पीछे हिंदी में मिलेंगे। ये ऐसे लोगों के लिए है जो हिंदी में भी जानकारी रखना चाहते हैं और इंग्लिश में भी जानकारी रखना चाहते हैं। अगर इंग्लिश में जानकारी रखना चाहते हो इस टेंस की तो इस पर ध्यान दे देना, अगर हिंदी में जानकारी रखना चाहते हो तो इस पर ध्यान दे देना। ओके, क्योंकि दोनों का हम अध्ययन करते हैं। देख लीजिए इसमें बात, राम कमरे में अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, पढ़ रहा था यानी पहले की बात है, कंटिन्यू है, अब पढ़ चुका होगा। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं कमरे में, तो ये जो एक्शन है पढ़ने का एक्शन है इसको कंटिन्यू दिखा दिया गया, और वो भी रहा था मिल गया, पहचान हमको मिल गई। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो डूअर होता है, डूअर मतलब सब्जेक्ट, वह चाहे सेंटेंस के आगे आए, चाहे कभी कभी कमरे में राम अपनी पुस्तक पढ़ रहा था ऐसे भी आ सकता है, तो इसमें कहीं नकारा ना गया हो, यानी काम को नकारा ना गया हो, या इसमें कहीं प्रश्न नहीं पूछा गया हो, या प्रश्न के साथ साथ नकारा नहीं गया हो, तो यह होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। जब नकार दिया जाएगा तो असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में हो जाएगा, यानी नेगेटिव सेंटेंस, अगर स्वीकार लिया जाएगा तो अफर्मेटिव हो जाएगा। ओके, तो देख लीजिए इस बात को, जो कार्य है पढ़ने का, इसमें स्वीकारा जा रहा है कि राम कमरे में पुस्तक पढ़ रहा था, इसमें बात पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, इसमें सिंपल सी बात कही गई है, साधारण सी बात कही गई है, इसलिए यह अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन कमरे में अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, कौन, कौन लगाओ करता पाओ, तो कौन लगाने के बाद हमें सब्जेक्ट मिल जाता है, तो सब्जेक्ट किस नंबर पे है, फर्स्ट पे है, तो सब्जेक्ट को लिख देंगे हु। क्लियर हो गया। तो जब हमने हु यहाँ पर लगाया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो अगर हम कहेंगे हु वॉज रीडिंग, ठीक है, हिज बुक इन द रूम, अगर ऐसा हम लगाते हैं तो हु के बदले आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट।
तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हु हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है या प्रश्नवाचक शब्द होता है, लेकिन यह हमेशा कर्ता का काम करता है। ओके, तो हु से हमें सब्जेक्ट का पता चल जाता है। तो हु लगाइए, सब्जेक्ट पाइए, कौन लगाइए, कर्ता पाइए, तो राम हमको सब्जेक्ट के रूप में मिला, यहाँ लिख देंगे राम। आप इसको पहचानेंगे, सिंगुलर है कि प्लूरल, प्रॉपर नाउन है, एंड से नहीं जुड़ा है, एक ही है, तो सिंगुलर हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या मिल जाएगी, वाज, राम वाज। अब मेन वर्ब यहाँ है हिंदी की मुख्य क्रिया पढ़ना, तो पढ़ना क्या बोलते हैं, रीड। आईएनजी लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस रहा है, तो ये हो जाएगा रीडिंग, राम वॉज रीडिंग, राम पढ़ रहा था। अब आएगा क्या पढ़ रहा था, पुस्तक, लेकिन उससे पहले आ रहा है किसकी, राम कमरे में पुस्तक पढ़ रहा था। अब भाई हो सकता है अपने छोटे भाई का पढ़ रहा हो, अपनी बहन का पढ़ रहा हो, अपने पिताजी की कोई बुक पढ़ रहा हो, लेकिन यहाँ पर दिया है राम कमरे में अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। किसकी पुस्तक पढ़ रहा था, अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, तो यह अपनी जो है पुस्तक से रिलेशन बता रहा है, किसके साथ, राम के साथ। तो यह होता है पजेसिव केस का डिटरमिनर, पजेसिव एडजेक्टिव, इन्हीं को कहा जाता है डिटरमिनर। ध्यान दीजिएगा, जो नाउन से पहले आएं और नाउन की किसी भी तरह से विशेषता बताएं, चाहे संकेत करके बताएं, चाहे संबंध बता के कहें, चाहे प्रश्न पूछ करके बताएं, चाहे जैसे भी बताएं, लेकिन बताएं, और यह उनके अर्थ को निश्चित भी करते हैं। राम कमरे में पुस्तक पढ़ रहा था, ये नहीं पता थी किसकी थी, लेकिन राम कमरे में अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, दुनिया में किसी और की वो पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, उस पुस्तक का संबंध किससे था, राम से था, किसी और से नहीं था। तो यह होता है डिटरमिनर। राम सिंगुलर है, पुरुष है, इसलिए इसके प्रोनाउन पे जाएंगे, प्रोनाउन होता है हिज, और एडजेक्टिव भी होता है हिज, चूँकि नाउन आया पीछे इसलिए एडजेक्टिव लगेगा, तो यहाँ पर लगाएंगे हिज। फिर क्या पढ़ रहा था, क्या लगाइए, कर्म पाइए, यानी क्या लगाने से हमेशा ऑब्जेक्ट मिलता है निर्जीव वाला, तो आपको यहाँ मिल जाएगा बुक। कहाँ पढ़ रहा था, कमरे में, तो इन द रूम, देख लीजिए, राम कमरे में अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, राम वॉज रीडिंग हिज बुक इन द रूम। राम कौन पुस्तक पढ़ रहा था, राम कहाँ पढ़ रहा था, कमरे में, किसकी पढ़ रहा था, अपनी, क्या पढ़ रहा था, पुस्तक। ओके, हर शब्द पर आप प्रश्न पूछोगे, सारे शब्द आपको मिल जाएंगे, कहीं प्लेस हो वहाँ पर आप कहाँ लगा दीजिए, कहीं सब्जेक्ट हो वहाँ पर कौन लगा दीजिए, कहीं अपना अपनी हो वहाँ पर किसका किसकी किसके लगा दीजिए, कहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो निर्जीव वाला तो वहाँ पर क्या लगा दीजिए, कहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सजीव वाला तो वहाँ पर किसे लगा दीजिए, सारा ये मैटर मिलके आपके सामने आ जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई होगी, तो देख लीजिए, राम वाज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आईएनजी, डिटरमिनर, ऑब्जेक्ट, अदर्स, इस तरह से सिंपल सेंटेंस बनता है। अगर इसका नेगेटिव लेकर चलोगे, ठीक है, मान लो एक और बहुवचन वाला बता देते हैं, वे जा रहे थे, सपोज दैट ऐसा आ गया, तो वे का क्या होता है, दे, ठीक है, अब थे आया है, जा रहे थे, तो यहाँ पर दे हमेशा प्लूरल होता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, वर, और जाना क्या होता है, गो, तो गो में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, ठीक, दे वर गोइंग। यहाँ तक सेंटेंस होना ही चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तक अगर आया है, तीन शब्द आए हैं तब भी वह कंप्लीट है, अगर डिटरमिनर, ऑब्जेक्ट, अदर नहीं आया तो नहीं लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा के छोड़ देंगे। तो इस तरह से होगा आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को इसी स्ट्रक्चर पर, इसी फॉर्मेशन पर लगाते हैं। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है आपका नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस मेन वर्ब से पहले हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगा देते हैं। आप भी जानते हो कि मेन वर्ब से पहले हमेशा नॉट लगाया जाता है नेगेटिव, कोई भी आप चाहे मॉडल का देख लीजिए, चाहे टेंसेस का देख लीजिए, चाहे यूजेस का देख लीजिए, आपको हमेशा मेन वर्ब से पहले ही नॉट मिलता है। आइए उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सेकंड है आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो जाएगा, नॉट, नॉट के बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, इंग लगाएंगे, फिर उसके बाद डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, अदर के बाद फुल स्टॉप।
ओके अब एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल के तौर पे देखिए, सीता गीत नहीं गा रही थी, सीता गीत नहीं गा रही थी, ये हो गया। देख लीजिए सीता गीत नहीं गा रही थी, तो इस प्रकार से कौन गीत नहीं गा रही थी, सीता, तो सीता को सब्जेक्ट बना दीजिए, सब्जेक्ट है ही, ठीक है, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या निकालोगे, वॉज, ओके, जा रही थी, गा रही थी, खा रही थी, पढ़ रही थी, ऐसा रही थी आया है तो पास्ट टेंस से पहचान आप जानते ही हैं, सीता वॉज। अब निगेटिव वर्ड आ गया है तो तीसरे नंबर पे मैंने बताया नॉट लगा देंगे, फिर मेन वर्ड गाना के क्या होता है, सिंग, तो सिंग में क्या लगा देंगे, आईएनजी, क्या नहीं गा रही थी, गीत, ए सॉन्ग। बात समझ में आ गई, ऐसे आता है। अगर मान लीजिए बाई चांस कभी नेवर का प्रयोग हो जाए, वैसे कंटिन्यूअस टेंस में नेवर का प्रयोग जनरल नहीं होता, ठीक है, लेकिन हो जाए, सीता गीत कभी नहीं गा रही थी, मान लीजिए ऐसा, तो सीता वॉज नेवर सिंगिंग ए सॉन्ग, ऐसे भी हो सकता है, जहाँ नॉट है वहीं पे क्या कर देंगे, नेवर कर देंगे, तो ये निगेटिव हो गया। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो आप यहाँ पर वर कर देंगे, बाकी चीज़ें सेम रहेगी, क्लियर। आगे थर्ड पे देख लेते हैं, थर्ड आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें फर्स्ट आता है एस नो टाइप सेंटेंस, आप भी जानते हैं, इतना टेंस पढ़ लिए हैं, एस नो टाइप सेंटेंस, हाना प्रकार वाले वाक, हिंदी में क्या से शुरू होने वाले वाक, तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या लगा देते हैं, आईएनजी, आईएनजी के बाद क्या लगाते हो, डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद क्या लगाते हो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, अदर के बाद क्वेश्चन मार्क, क्लियर। एग्जांपल अगर आप देखेंगे, क्या तुम मुझे बुला रहे थे, अब कल जोड़ सकते हो इसमें, बुला रहे थे, क्या तुम मुझे बुला रहे थे, ठीक, किसी ने पूछा क्या तुम मुझे बुला रहे थे, अगर बुला रहे थे तो बोलेगा हाँ मैं आपको बुला रहा था, अगर नहीं बुला रहा था तो बोलेगा नहीं मैं आपको नहीं बुला रहा था, इसीलिए इसको एस नो टाइप कहते हैं, बात सही रहती है तो एस बोलता है, बात गलत रहती है तो नो बोलता है, ओके। और हिंदी में कहते हैं क्या से शुरू होने वाले वाक्य, तो नियम आप जानते ही हैं, सार्वभौमिक नियम है, यदि किसी सेंटेंस में चाहे वो मॉडल्स हो चाहे कोई भी टेंसेज हो कोई यूजेज हो, अगर किसी सेंटेंस में हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या आए तो हमें क्या कि इंग्लिश जो होती है व्हाट, उसको सबसे पहले नहीं लिखना चाहिए, लिखना ही नहीं चाहिए, तो क्या करना चाहिए, हमें उस सेंटेंस के पहचान को देखना चाहिए, पहचान देख करके उस मॉडल हो, यूजेज हो या टेंसेज हो उस पर जाना चाहिए, फिर उसके सब्जेक्ट को देखना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है उसी को लिख देना चाहिए, अगर दो हैं तो एक वचन और बहुवचन के अनुसार, ठीक है, या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं यू आपका यानी तुम है तो यू आएगा, यू हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर आएगी, देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, इसके अनुसार लगेगा न कि इनके अनुसार, इनका काम खत्म, क्लियर। वर अब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन सा है, यू है, तो हो जाएगा वर यू, ओके। अब आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, बुलाना, तो बुलाना क्या कहते हैं, कॉल, कॉल का क्या हो जाएगा, कॉलिंग, वर यू कॉलिंग, किसको बुला रहे थे, मुझे, तो मुझे का मी कुछ नहीं है यार, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। अगर आप ऐसे लगाना चाहते हो, क्या बच्चा, मान लीजिए क्या बच्चा रो रहा था, क्या बच्चा रो रहा था, तो यहाँ पर क्या आ गया, बच्चा रो रहा था, एक वचन लग रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, वॉज चाइल्ड, ठीक है, वीपिंग, वॉज चाइल्ड वीपिंग, क्या बच्चा रो रहा था, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या से शुरू होने वाली वाक्यों का यानी यस नो टाइप सेंटेंसेस का इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है और हिंदी में ऐसे आता है, तो हम इसी स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को लगा देते हैं, क्लियर। अगर इनका नेगेटिव आप बनाना चाहते हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ में ही पढ़ना चाहते हो, तो इसी जगह मैं बता देता हूँ, एक होता है अफर्मेटिव नेगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इसी में अगर हम बताना चाहें, इसी का अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हो, तो मान लीजिए ऊपर वाला सेंटेंस है, मैं इसका बता देता हूँ इसी जगह,
इसका आप निगेटिव बनाना चाहते हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना चाहते हो इसी सेंटेंस का, तो हो जाएगा क्या तुम मुझे नहीं बुला रहे थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ड से पहले नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा वर यू नॉट कॉलिंग मी। ओके देख लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव में जो एस नो टाइप होगा हमेशा मेन वर्ब से पहले क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ओके इस तरह से कभी कभी ऐसे भी बनता है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है वरंट यू कॉलिंग मी, यानी जो नॉट है इसको छोटा करके हम हेल्पिंग वर्ब के साथ भी लगा देते हैं फिर सब्जेक्ट लिख देते हैं, लेकिन वैसा जो है ज़्यादातर स्पीकिंग में बोला जाता है, ठीक है, इनफॉर्मली यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से तीसरे नंबर पे नॉट का प्रयोग करके इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका एस नो टाइप सेंटेंस। अब आएंगे हम डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस पर। डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस जो होता है उसमें हम प्रश्नवाचक शब्द बीच में पाते हैं, ध्यान दीजिएगा प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पाते हैं, बीच में पाते हैं। तो जब प्रश्नवाचक शब्दों को बीच में पाएंगे तो उनको उठा के सबसे पहले लगा देते हैं, ठीक। डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, बाकी वही रहेगा। देख लीजिए इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, आईएनजी, डिटरमिनर, ऑब्जेक्ट, अदर, सब वही है और क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, राम कहाँ जा रहा था, राम कहाँ जा रहा था, सेंटेंस को ध्यान से देख लीजिए, राम कहाँ जा रहा था। तो अगर प्रश्नवाचक, ठीक है, शब्द किसी भी हिंदी वाक्य के बीच में आ जाते हैं, कभी कभी ऐसे आ जाता है कहाँ राम जा रहा था, वो अलग चीज़ है, तब भी आगे ही लिखेंगे, लेकिन बीच में आता है तो उनकी इंग्लिश जो होती है, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड, तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं। ओके ये पहला काम कर लीजिए, इतना करने के बाद तब आप टेंस पहचानिए, तब आप सब्जेक्ट पहचानिए, तब आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए। याद रखिएगा पहला काम तो आप इसी को करेंगे। तो ये हो गया वेयर। अब डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंसेस को क्यों कहते हैं, मैंने कई बार आपको बता दिया जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनके पहले दो अक्षर जो होते हैं वह डब्ल्यू एस से स्टार्ट होते हैं, हाउ और हाउ से बनने वाले शब्द को छोड़ करके, इसीलिए इसको डब्ल्यू एच फैमिली भी बोलते हैं और इसको डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर, देख लीजिए डब्ल्यू एच आया हुआ है, जितने भी हैं खाली हाउ और हाउ से बनने वाले शब्द को छोड़ करके। तो वेयर, अब आएंगे सब्जेक्ट के पास, पहचान ले लिए हम, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो पहचान में हमको पास्ट कंटिन्यूअस मिला, तो सब्जेक्ट के पास आएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर मिला तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, वाज को ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, राम को ले लेंगे। वेयर वॉज राम, अब मेन वर्ब जाना है तो जाना को क्या करेंगे, गोइंग कर देंगे, और कुछ आया ही नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। देख लीजिए इस प्रकार से आपका यह डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस का, ठीक है, पहला सेंटेंस हुआ। अगर इसी को आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो नेगेटिव जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जहां पर वहां एस नो टाइप में नॉट लगाएंगे, लगाए थे वहां पर हम नॉट लगा देंगे, जैसे वेयर वॉज राम नॉट गोइंग, यानी सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले हमें क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, मतलब ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही हो गया। क्या, यानी राम कहाँ नहीं जा रहा था, तो वेयर वॉज राम नॉट गोइंग। इस प्रकार से आपका एस नो टाइप सेंटेंस और डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस होते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान दीजिएगा इसमें हु वाला कभी कभी आता है जो आपको परेशान कर सकता है, तो मैं उस पर भी चर्चा कर लेता हूँ, उसको भी बता देता हूँ। आइए हु वाला देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हु वाला कौन शब्द लेके आता है कभी कभी, जैसे एग्जांपल के तौर पे कहीं आ गया कौन तुम्हें पीट रहा था, कौन तुम्हें पीट रहा था, या तुम्हें कौन पीट रहा था, बात समझ रहे हैं आप मेरी, कौन तुम्हें पीट रहा था या तुम्हें कौन पीट रहा था, बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कौन शब्द आया है, पीटने वाला यही हो गया, पीटना कर यहाँ पे वो हो गई यानी क्रिया, तुम्हें ऑब्जेक्ट हो गया, कौन तुम्हें पीट रहा था या अज्ञात है,
ठीक, जब इसका आंसर देंगे तब यह ज्ञात होगा। अर्थात ये जो कौन है, पहले तो प्रश्नवाचक शब्द का काम कर रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, ये प्रश्नवाचक शब्द है। दूसरी बात, मैंने बोला था कौन लगाओ करता पाओ, दूसरा काम ये किससे काम कर रहा है, सब्जेक्ट का कर रहा है। तो जब ये प्रश्नवाचक शब्द और सब्जेक्ट का काम करे, ऐसे में हमें अनेक दूसरे सब्जेक्ट नहीं लगाने चाहिए, ही सी इट दे यू नेम नाउ, ये सब नहीं लगाना चाहिए। हमें इसी कौन को, जो उसकी इंग्लिश होती है हो, उसी को प्रश्नवाचक शब्द प्लस उसी को कर्ता बनाना चाहिए, जो होता ही है। अब इसका आंसर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन तुम्हें पीट रहा था, राम मुझे पीट रहा था, लीजिए आंसर मिल गया, श्याम मुझे पीट रहा था, मोहन मुझे पीट रहा था, वह मुझे पीट रहा था, वह मुझे पीट रही थी। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आप लगाएंगे जस्ट इसके बदले आएगा और एकवचन का आएगा। एक बात समझिएगा, जब रहा था यहाँ पर आए तो ये हमेशा एकवचन होगा, क्या होगा, एकवचन होगा। जब रही थी आए तो हमेशा एकवचन होगी, ध्यान दीजिएगा, रहा था आएगा तब भी एकवचन, रही थी आएगी तब भी एकवचन, लेकिन रहे थे आएगा बिना बिंदी वाला, बिना बिंदी वाला रहे थे आएगा तब भी एकवचन होगा, क्लियर। लेकिन रहे थे आएगा, रहे थे यहाँ बिंदी रहेगा तो यह बहुवचन होगा, और रही थी आएगा, रही थी बिंदी वाला तो ये भी बहुवचन होगा। फिर से मेरी बात को समझ जाइए, कौन तुम्हें पीट रहा था, पिताजी मुझे पीट रहे थे, ऐसे बोलोगे, ये नहीं कहोगे कि पिताजी मुझे पीट रहा था, मेरा पापा मुझे पीट रहा था, सम्मान नहीं दे रहे हो यहाँ पे। तो हमेशा बड़े लोगों को सम्मान दिया जाता है, उसके लिए हमेशा इसका प्रयोग करते हैं, कौन तुम्हें पीट रहे थे, तो ये क्वेश्चन पिताजी मुझे पीट रहे थे, मेरे भाई मुझे पीट रहे थे, ये सम्मान देने के लिए होता है, लेकिन लग रहा है कि ये बहुवचन है, लग रहा है पीट रहे थे, कई लोग पीट रहे थे, अगर कई लोग पीट रहे थे तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं और यहाँ पर बिंदी लगाते हैं, क्लियर। और कौन तुम्हें पीट रही थी, अगर एक क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे रहेगा, माता जी मुझे पीट रही थी, दादी जी मुझे पीट रही थी, मेरी बहन यानी बड़ी बहन मुझे पीट रही थी, तो वहाँ पर ए वाला होगा, कौन तुम्हें पीट रही थी यानी कई लोग पीट रही थी मिलके, तो वहाँ पर बहुवचन आएगा और वहाँ पर बिंदी लगा होगा, ध्यान दीजिएगा, तब हमको पता चलेगा यहाँ से कि एक क्वेश्चन है कि बहुवचन, क्योंकि कौन शब्द देखने में हमेशा एक क्वेश्चन ही लगेगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन के साथ वाज लगेगा कि वर लगेगा। इसी को क्लियर करने के लिए मैं इन चीज़ों को बताया हूँ, गौर से इसको देख लीजिएगा, रहा था एक वचन, रही थी एक वचन हमेशा, ओके। सम्मान के साथ बड़े लोगों के लिए रहे थे एक वचन, रहे थे इस कई लोगों के लिए बहुवचन, रही थी बिंदी वाला रहेगा बहुवचन होगा। तो यहाँ पर कौन तुम्हें पीट रहा था, तो सबसे पहले लगाएंगे हु, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, सबसे पहले हु लगा देंगे, हु के बाद वाज वर, ठीक है, वाज वर लगा देंगे, वाज वर के बाद आप मेन वर पे आ जाइए, मेन वर में आई एन जी जुड़ेगा ही, आप भी जानते हो, आई एन जी के बाद डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, अदर के बाद क्वेश्चन मार्क, ये होगा स्ट्रक्चर। तो देख लीजिए हु आ गया, हु के बाद अब हमें पता चल गया कौन तुम्हें पीट रहा था, एक क्वेश्चन है क्योंकि आंसर निकलने पर राम श्याम यही सब आ रहे हैं, तो हु वाज, पीटना का क्या होता है बिट, तो बिट में क्या लगा देंगे आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यू, ओके। अगर नॉट लगाना हो तो तीसरे नंबर पे हमेशा नॉट लगा देते हैं, हु वाज नॉट बीटिंग यू। अभी देखो इस तरह से आ जाएगा, कौन तुम्हें पीट रहे थे, कौन तुम्हें पीट रहे थे, यहाँ पे देखिए अगर बिंदी नहीं लगा है तो ये क्वेश्चन होगा हु वाज, यही वाला आएगा हु वाज बीटिंग यू, ओके। क्योंकि पिताजी पीट रहे थे, दादाजी पीट रहे थे, अध्यापक जी एक लोग, एक एक लोग पीट रहे थे, तब वहाँ पे ये वाला आएगा, कौन तुम्हें पीट रहे थे, यहाँ बिंदी हुआ, कौन तुम्हें पीट रहे थे, तो इसका मतलब हुआ कौन कौन पीट रहे थे, इसलिए देखो बिंदी वाला, तो हु के साथ यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर लगाना पड़ेगा। कौन तुम्हें पीट रही थी, तब यहाँ पर वाज लगाना पड़ेगा, दादी जी पीट रही थी, हमारे शिक्षिका हमें पीट रही थी, टीचर मैडम पीट रही थी, एक लोग, हमारी माता पीट रही थी, एक लोग, हमारी बड़ी बहन पीट रही थी, एक लोग, लेकिन
तब वाज हो जाएगा यहाँ पे वाज, लेकिन ये रहता कौन तुम्हें पीट रही थी, मतलब कौन कौन तुम्हें पीट रही थी, हमारी दोनों बहनें पीट रही थी, हमारी माता और हमारी दादी माँ मिलकर पीट रही थी, तो वहाँ पे बहुवचन हो जाएगा और यहाँ पे वर का प्रयोग होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से कौन वाला भी होता है काफ़ी ज़बरदस्त है, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कौन से कभी ये नहीं पता चलता यह सिंगुलर है कि प्लूरल है। उसको पहचानने के लिए पीछे आने वाली जो हिंदी की क्रिया होगी उसको पहचानते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आगे एडवर्ब्स और जो रूल्स होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।